हेलो एवरीवन, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज मैं आप सबको NH-91 की कानपुर और अलीगढ़ के बीच की अपडेट देने वाला हूं। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको कानपुर के पास मंदाना के पास से अपडेट देना स्टार्ट करूंगा। तो एग्जैक्ट लोकेशन है मेरी मंदाना के पास, रामा यूनिवर्सिटी के पास की, और कानपुर के पास कंपनी काम कर रही है PNC इंफ्राटेक लिमिटेड। तो रामा यूनिवर्सिटी के पास में काम किया जा रहा रेलवे ओवर ब्रिज को रेडी करने का। और यहाँ से पहले की साइड में है एलिवेटेड सेक्शन, जो काफ़ी हद तक बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे राइट साइड के ब्रिज का स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया है। और यहां से आगे की साइड में एलिवेटेड सेक्शन के ऊपर काम पेंडिंग है। और राइट साइड में यहां पे अप्रोच रोड से आगे की तरफ एरिया को साफ करके काम किया जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो कानपुर से लेके अलीगढ़ तक ये NH-91, जिसका नया नाम है NH-34, ये 4 लेन का है और इसके सारे स्ट्रक्चर्स हैं 6 लेन के। तो कानपुर के आउटर में ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो चुका है, बस कहीं कहीं पे मीडियन, क्रैश बैरियर और लेन मार्किंग का काम रह गया है। तो देख सकते हो यहाँ पे ये NH है 4 लेन का, और आगे की साइड में है फ्लाईओवर, तो वहां पे हो जाएगा 6 लेन का। देख सकते हो यहाँ पे 6 लेन हो गई है। तो मेन कैरिज वे का यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब आगे की साइड में आने के बाद में ये देख सकते हो यहाँ पे मीडियन का काम पेंडिंग है। और यहाँ पे दूसरी वाली साइड में DBM का काम ही किया गया है, और लेफ्ट साइड में सर्विस रोड का। और ये एक छोटा सा पैच और है जहां पे क्रैश बैरियर्स को बनाया जा रहा है। उन्नीस किलोमीटर आगे की साइड में आने के बाद में रामा यूनिवर्सिटी से ये आ जाता है यहाँ पे टोल प्लाजा, जिसका काम ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ।
अब आगे की तरफ आने के बाद में ये एक फ्लाईओवर मिला है जिसको ट्रैफिक के लिए बंद किया हुआ है। देखने में तो लग रहा है इसका काम सारा कंप्लीट हो चुका है। मुझे आइडिया नहीं है क्यों इसको अभी बंद किया हुआ था। ये आ जाता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, तो राइट साइड में है लखनऊ, और लेफ्ट साइड में है आगरा। चलो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, कानपुर से लेके आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे तक तो है फ्लेक्सिबल पेवमेंट, और एक्सप्रेसवे को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे की साइड में आने के बाद में कन्नौज की तरफ ये देख सकते हो यहाँ पे है रिजिड पेवमेंट, मतलब कंक्रीट की रोड। तो ये अब कंक्रीट की रोड ऑलमोस्ट एटा तक है। और ये आ जाता है आज का दूसरा टोल प्लाजा जो ऑपरेशनल है। ओके, तो राइट नाउ मैं हूँ अब सिकंदरपुर गांव के पास में। तो यहाँ पे जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है उसकी जो अप्रोच रोड है उसके एक साइड में पेवमेंट और क्रैश बैरियर का काम पेंडिंग है। ओके, तो राइट नाउ मैं एक गांव के अंदर से निकल के जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो एनएच के दोनों तरफ और बीच में क्रैश बैरियर्स बनाए गए हैं ताकि इस एनएच को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल्ड बनाया जा सके। ओके,
ओके तो राइट नाउ मैं अब निकल के जा रहा हूँ छिबरा मऊ के अंदर से, तो कानपुर से लेके गाजियाबाद तक बस ये एक जगह है जहाँ पे कोई बाईपास नहीं है, यहाँ पे टाउन के अंदर से निकल के जाना है इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन होता है। और ये आ जाता है आज का हमारा तीसरा टोल प्लाजा, ये भी ऑपरेशनल है। और टोल प्लाजा को क्रॉस करने के बाद में ये देख सकते हो यहाँ पे वापस से फ्लेक्सिबल पेवमेंट हो गई है और कन्नौज वाली साइड में काम किया है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। ओके मैं सिकंदरा राव पहुंच गया हूं और ये दूसरी जगह है जहां पे अभी ट्रैफिक सिटी के अंदर से निकल के जाता है क्योंकि यहां पे जो बाईपास का काम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये है बाईपास, तो देख सकते हो यहां पे सब ग्रेड की लेयर का काम हो गया, तो यहां पे जो मेन काम बाकी है वो है रेलवे ओवर ब्रिज का। तो यहाँ पे रेलवे लाइन के ऊपर स्टील गर्डर्स को रखने का काम किया जाएगा और दूसरी साइड में भी सबग्रेड का काम हो गया और थोड़ा सा आगे की साइड में डीबीएम का। ओके मैं अलीगढ़ पहुंच गया हूं, अगर मैं यहां से राइट जाऊंगा तो सिटी के अंदर चला जाऊंगा लेकिन मैं बढ़ रहा हूं बाईपास के ऊपर। ओके मैं अलीगढ़ बाईपास को एग्जिट करके खुर्जा की तरफ बढ़ रहा हूँ और मेरा प्लान था कि मैं कानपुर और खुर्जा के बीच की अपडेट आप लोगों को दो वीडियो में दूं, लेकिन मैंने अब अपना प्लान चेंज कर दिया क्योंकि यूपी ट्रिप की वीडियोस काफ़ी डिले हो गई है, तो ये लास्ट वीडियो होने वाली है यूपी ट्रिप की। इसके बाद दिल्ली NCR के प्रोजेक्ट्स की अपडेट आएंगी। तो NH 34 का 4 लेन से 6 लेन की वाइडनिंग का जो काम किया जा रहा है वो गाजियाबाद से अलीगढ़ के बीच में किया जा रहा है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे ये एक छोटा सा पैच है जहाँ पे वाइडनिंग का काम कंप्लीट करके लेन मार्किंग का काम भी हो गया है और यहाँ से आगे की साइड में छोटे छोटे पैचेस में वाइडनिंग का काम तो हो गया लेकिन पेवमेंट का काम किया जाएगा। ओके राइट नाउ मैं पहुंच गया हूं गभाने के पास में, तो यहां पे वाइडनिंग का काम पेंडिंग है, आप लोगों को ड्रोन शॉट से दिखाता हूं। तो देख सकते हो एरियल व्यू में यहां पे वाइडनिंग का काम पेंडिंग है।
और ये आ गया गभाना टोल प्लाजा। ओके, टोल प्लाजा से आगे की साइड में आने के बाद में ये देख सकते हो यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया है। और अब मैं एंट्री ले रहा हूँ खुर्जा और अलीगढ़ के बीच में जो नया बाईपास बनाया गया है उसके ऊपर। तो ये नया बाईपास 4 लेन का है और इसके स्ट्रक्चर्स हैं 6 लेन के। और ये हैं नए बाईपास के कुछ ड्रोन शॉट्स। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। और यहां से अगर मैं लेफ्ट जाऊंगा तो खुर्जा सिटी के अंदर चला जाऊंगा। तो खुर्जा बाईपास के ऊपर वाइडनिंग का काम तो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी लेन मार्किंग का काम कंप्लीट किया जाएगा। तो यहाँ पे आके एंड हो जाता है खुर्जा बाईपास और ये वीडियो भी। तो वाइडनिंग का जो काम है अलीगढ़ से लेके दादरी तक वो मोर देन 60% हो गया है। और यहाँ से आगे की अपडेट मैं आप लोगों को फिर कभी दूंगा, मैंने शूट नहीं किया है इस बार। तो बस करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं अगली वीडियो में।